रूपनगढ़ थाना पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे वांछित स्थायी वारंटी पूर्व पार्षद श्रवण कुमार आचार्य को जोधपुर से किया गिरफ्तार। रूपनगढ़ की वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। रूपनगढ़ थाना पुलिस ने जोधपुर से वांछित स्थायी वारंटी पूर्व पार्षद श्रवण कुमार आचार्य को किया गिरफ्तार। वहीं दो स्थायी वारंटी सुरसुरा निवासी मदनलाल व सतीश प्रजापति को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी केकड़ी बगरू जयपुर पश्चिम थानों में विभिन्न मामलों में है वांछित। रूपनगढ़ थाना प्रभारी भंवर सिंह राव के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। टीम में हेड कांस्टेबल नवरतन, कांस्टेबल मोहन राम चौधरी, गासीराम रामेश्वर गिरी का रहा विशेष योगदान। बता दें रूपनगढ़ थाना पुलिस का वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। पुलिस ने एक साल से फरार वांछित स्थायी वारंटी पूर्व पार्षद श्रवण कुमार आचार्य सहित दो आरोपियों को सुरसुरा क्षेत्र से किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी भंवर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को दिया गया अंजाम। रूपनगढ़ थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच।